हेलो स्टूडेंट, स्वागत 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 आपका सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और सीएलसी का एक यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसका जिसका नाम है गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर जेई। जेई मेन के हम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे, साथ के साथ कहाँ से क्वेश्चंस बल्क में आ रहे हैं हमने यूनिट वाइज उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो आपको केमिस्ट्री को 16 यूनिट में हमने डिवाइडेड किया है। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपके सामने है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक में जितने जेई मेन में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चंस का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे सीखेंगे और उसके उससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप सभी एंजॉय करोगे। अगर आपने सीएलसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री की है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म और पीओसी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टॉपिक है 11th क्लास की एनसीईआरटी का और यहाँ से बल्क में क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। अभी हम जब सोल्व करेंगे तो इन टेक्निक्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर सेंटीमीटर, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है आरएफ वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट्स। मतलब रिटार्डेशन फैक्टर को आरएफ बोला है और कि ये रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, क्या सभी सॉल्वेंट के लिए आरएफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है क्या? तो क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इस मेथड्स के बारे में देखते हैं कि ये क्या है, आरएफ क्या है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्रोमेटोग्राफी से ये रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है रिटार्डेशन फैक्टर। देखो मैंने दो डायग्राम आपके लिए लेके आया हूं, इनसे मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या है। तो इस मेथड्स को मैं समझा रहा हूं, इस टेक्निक को मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। इट इज टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ये टाइप है। ये क्या है डायग्राम में इसको समझें, इसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये इसका नाम है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इस मेथड का नाम है। इस मेथड में क्या लेता है, ग्लास की एक पतली स्ट्रिप ली जाती है, एकदम से ये ग्लास लिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लेयर बनाते हैं, किसकी, ये जो लेयर बनी हुई है इसके इसके ऊपर जो लेयर बनाते हैं, ये लेयर किसकी होती है, या तो एलुमिना की होती है, Al2O3 की होती है, या फिर होती है ये सिलिका जेल की, ये लेयर होती है इसके ऊपर, सिलिका जेल की लेयर होती है। अब ये जो यहां आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम हम देखें, इस डायग्राम को आप देखो, बट डेफिनेटली है हम मिक्सर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई मिक्सर है उसको हम यहां सेपरेट करने वाले हैं। किस मेथड से सेपरेट करने वाले हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड से सेपरेट करने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ये देखें कि यहां पे मैंने क्या लिया, ये बेस लाइन है और ये सॉल्वेंट है, या इल्यूएंट भी बोलते हैं इसको, ये भी बोला जाता है, और ये एडसॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। ये मैंने क्या बोला था, आपको पता होगा, इसको मैंने बोला था ग्लास प्लेट,
और इस पे मैंने एडजोबेंट लगाया है, ये एडजोबेंट का काम करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एडजोबेंट क्या होता है, एडजोबेंट का काम कौन करेगा। कोटेड मैंने किससे किया है, एल्यूमिना से या सिलिका जेल से इसको मैंने क्या किया है, कोटेड किया है। और ये प्लेट यहां पे रखी हुई है, ग्लास प्लेट है, एडजोबेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। और ये सैंपल डॉट है, ये वाला डॉट है, कंपोनेंट का मिक्सर है ये, जिसको हमें सेपरेट करना है। और इसमें हमने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया। अब यहां से ये जो बेस लाइन मैंने ली है, ये रही बेस लाइन, यहां से कंपोनेंट भी ऊपर जाएगा मिक्सर, मतलब अलग अलग जगह एडजॉर्ब्ड होगा, जो मिक्सर है वो अलग अलग जगह क्या होगा, एडजॉर्ब्ड होगा, क्योंकि सबकी एडजॉर्ब्ड टेंडेंसी क्या नहीं होती, सेम नहीं होती है। तो ये मतलब रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच, रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, कि मिक्सर में अलग अलग कंपोनेंट हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर आर एफ। इससे करते हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट डिपेंड करेगा, अगर पोलर पोलर कंपोनेंट है तो उसकी जो मोबिलिटी है वो कम होगी, नॉन पोलर है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो यहां आपने यहां कंपोनेंट लगाया और अलग अलग स्पॉट यहां पे जनरेट हो जाएंगे, जितने मिक्सर हैं उनकी सबकी अलग अलग एडजॉर्प्शन पावर है, तो अलग अलग जगह क्या हो जाएंगे, वो एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे। तो रिटार्डेशन फैक्टर है क्या, ये है रिलेटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर। अब यहां पे ये बेस लाइन है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या बोला आरएफ क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सबस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, इस बेस लाइन से जो सबस्टेंस है वो कितना मूव हुआ। जैसे ये यहां से मूव होके यहां तक आ गया, इसको रिप्रेजेंट किया गया है अक्ष, ये रहा अक्ष। फिर दूसरा सॉल्वेंट भी मूव होगा, उसकी मूवेबिलिटी भी होगी, सॉल्वेंट कितना गया है। दूसरा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, सॉल्वेंट बेसलाइन से कितना मूव हुआ, और जो सबस्टेंस है वो बेसलाइन से कितना मूव हुआ, इनका जो रेशियो आएगा वो क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर। ये फॉर्मूला है रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करने का, वापस बोल देता हूं, इट इज टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। क्या है, ग्लास की एक प्लेट लेते हैं, पतली स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम एडजोबेंट लगाते हैं। एडजोबेंट क्या क्या है, Al2O3 या सिलिका जेल, ये एडजोबेंट होते हैं। फिर हम सॉल्वेंट में इस ग्लास, अच्छा आजकल तो मार्केट में बनी बनाई ये भी आती है, जिसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमा प्लेट, क्रोमा प्लेट, ये रेडीमेड भी आती है और हम लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं इस मेथड से, और इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो जो रिटार्डेशन फैक्टर है उसमें जो कितना मूव हुआ, सबस्टेंस कितना मूव हुआ, सॉल्वेंट कितना मूव हुआ, इनका जो डिस्टेंस मेजर करने का जो है यूनिट है वो नैनोमीटर में होती है। किसमें होती है, नैनोमीटर में या मिलीमीटर में वो डिस्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। तो यहां ये समझ में आ गया, सब कुछ समझा दिया है मैंने, ये क्या है सॉल्वेंट क्या है, तो दोनों मूव करेंगे ये। अब बात आती है अपना क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में आते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीन शॉट आप यहां से ले सकते हो पूरा। अब जाके है ना इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया, आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें इसकी, ये वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा, और मैंने समझा भी दिया है कि ये क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट है रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मैंने बोला इतना स्मॉल साइज होता है कि नैनोमीटर या मिलीमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं,
तो ये गलत हो गया। फिर है आरएफ वैल्यू ऑफ कंपाउंड रिमेन कॉन्स्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, ना सॉल्वेंट जो है वो पोलर भी हो सकता है और सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर भी हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है। अगर सब्सटेंस पोलर है और पोलर सॉल्वेंट लिया है तो उसका मोबिलिटी कम रहेगा क्योंकि वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से नीचे की तरफ रहेगा, और अगर नॉन पोलर है और सब्सटेंस पोलर है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो सॉल्वेंट यहां ये बोला है कि आरएफ वैल्यू ऑफ कंपाउंड रिमेन कॉन्स्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, ना सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी कि कितना मूव होगा क्योंकि हर एक सॉल्वेंट में मोबिलिटी अलग अलग रहेगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी रोंग है, स्टेटमेंट सेकंड भी रोंग है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है रोंग है। ऐसा ऑप्शन चेंज कर चेक करें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, ये सही है। क्लियर? तो आंसर जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो जाएगा सेकंड इज करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो अभी मैंने बोला है, ये जो लेंथ होती है ना इसकी, ये होती है 0.2 मीटर, ये इसकी लेंथ होती है 0.2 मीटर। तो अगर इसकी लेंथ इतनी है तो रिटार्डेशन फैक्टर तो डेफिनेटली नैनोमीटर या मिलीमीटर में कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेसिटाइल ऑक्साइड इज ए कॉमन नेम ऑफ। तो ये क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। आप जब वहां आईपीएससी नाम की एक जो टेबल दी हुई है उसमें नीचे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है मेसिटाइल ऑक्साइड होता क्या है। तो यहां आप ये देखें कि एसीटोन की रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड ओ एच टू सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं ड्राई एचसीएल से, रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाया है मैंने और इसका मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया है, और यहां से H2 क्या होगा बाहर होगा और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH CO और ये CH3। इस कंपाउंड को जो नाम कॉमन नाम है इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। अब समझना मेरी बात, और अगर मैं CH3CO CH3 तीन मोल लूं और रिएक्शन कराऊं कंसंट्रेट H2SO4 से, तो ये भी एल्डोल होगी, यहां बनता है मेसिटिलीन, दिस बनता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसका हमें आईपीएससी नाम बताना है, तो आईपीएससी नाम का रूल जो है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, तो यहां पे ये वाली चेन बन जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। अब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, तो नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलता हो। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले ये CH3 क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो यहां लिखूंगा 4-methyl, सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट कितने का आया है 5 का, पेंट डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है 3 इन, ठीक है 3 इन और 2 ऑन, ये नाम आएगा। ऐसा ऑप्शन देखें 4-methyl पेंट 3 इन और 2 ऑन, ये यहां पे है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड वही मेसिटाइल ऑक्साइड है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन मेसिटाइल ऑक्साइड C6H10O, तो वही क्वेश्चन है मेसिटाइल ऑक्साइड, अभी मैंने बोला था ये वाला था CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, पूछा क्या है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं आपसे कितने हैं। तो देखो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसमें एक सिग्मा यहां हो गया, एक सिग्मा यहां हो गया और एक सिग्मा यहां हो गया,
क्योंकि केवल कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड हमें कंसिडर करने हैं, तो यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 005। वेरी सिंपल। मेसिटाइल ऑक्साइड बनता कैसे है ये भी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर क्या है ये भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है कंपाउंड विच मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O केंसियो। तो C3H6 जो है ना, ये फॉर्मूला है ना, वो है CnH2NO। DU इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कितना है, 1 है। और ये फॉर्मूला है एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनका ये जनरल फॉर्मूला है। एल्डिहाइड कीटोन का कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अब यहां पूछा है कि ये कौन सी आइसोमर्स में शो करते हैं, कि तो बोथ पोजीशनल आइसोमर्स में। तो इस पे देखो CH3CO CH3 ये बन जाएगा, CH3CH2 COH ये बन जाएगा। ये कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखें, कि बोथ पोजिशनल आइसोमर एंड मेटामेरिज्म ना, पोजिशनल आइसोमर में नहीं है क्योंकि यहां तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, मेटामेरिज्म में नहीं आई, पोजिशनल आइसोमरिज्म भी नहीं आई। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आई है क्या, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे हम FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आंसर इसका जाएगा वो जाएगा फोर्थ। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कार्बन यदि केवल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कार्बन यदि एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। और कार्बन यदि दो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ कार्बन के पास है नहीं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ चार है, तो चार आने पे sp3 होता है। अब यहाँ पूछा है कि आपको ए बी सी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ए ओनली सिंगल बॉन्डेड है तो ये क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से हमेशा किस से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अब बी की बात करूं डबल बॉन्डेड है तो ये क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करूं तो ये भी डबल बॉन्डेड है तो ये भी क्या हो जाएगा sp2। तो हाइड्रोजन जो यहां आएगा वो आएगा sp3 sp2 sp2 और ये इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट इन लेस देन 0.1% क्वांटिटी, हाउएवर द इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन द एग्जिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 15% इन क्वांटिटी। मतलब ये टोटोमेरिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम समझें तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैं ये वाला स्पेस काम में ले लेता हूं। आप देखें CH3CO CH3, चलो आगे ही बता देते हैं, यहां ये है CH3CO CH2H और इसका इनोल फॉर्म बनेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, इनोल फॉर्म ऐसे बनता है, टोटोमेरिज्म है ये CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और ये इनोल और ये कीटो फॉर्म है कीटो। अब देखो जब आप कीटो से इनोल जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कीटो से इनोल जा रहे हो तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपने यहां कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, ब्रेक साथ के साथ कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन, और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चलो ऐसे करते हैं अपन दूसरे वैसे देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं, यहां आपने क्या किया,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, साथ के साथ कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ये भी क्या किया, ब्रेक किया। जब इनोल फॉर्म बना तो इसमें कौन सा बॉन्ड बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये बना, ये नया बॉन्ड बन गया ना यहां OH का, और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो आप जब कीटो से इनोल की तरफ जा रहे हो तो मुझे यह पता लग रहा है कि कीटो से मुझे इनोल की तरफ लेके जाना है तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से। तो डेफिनेटली यहां आप ये देख पा रहे हो कि इधर एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, रिलीज्ड एनर्जी जो नए बॉन्ड बनेंगे वहां पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी। और ओवरऑल अगर देखो ना तो इसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी, वो आएगी 343 किलो कैलोरी पर मोल, और इधर जो एनर्जी 361 किलो कैलोरी पर मोल, और इधर आएगी 343 किलो कैलोरी पर मोल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो 18 किलो कैलोरी का डिफरेंस है। मतलब मैं एक कीटो से इनोल की तरफ जाता हूं तो 18 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, मतलब यहां ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म बाय 18 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी से ज्यादा स्टेबल है। इसके बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां रिलीज एनर्जी इतनी है तो डेफिनेटली घाटे का सौदा है भाई। 361 रुपए खर्च करके 343 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं, तो 18 रुपीज का लॉस है आपके पास। तो कीटो में रहना पसंद करेगा कंपाउंड या इनोल में, डेफिनेटली कीटो में रहना करेगा। तो एसीटोन का अगर मैं बनाऊं तो इसका एग्जिस्टेंस कितना है, 0.1% से भी कम, 0.1% से भी कम। समझ में आ रही बात? तो यहां पे मैं देखूंगा कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, बट एसिटाइल एसीटोन में ऐसा क्या हुआ? तो अगर इनोल फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, तो हो सकता है वो 18 किलो कैलोरी एनर्जी का गैप कवर हो जाए और इनोल फॉर्म उसकी स्टेबल हो सकती है। तो यहां तो पता लग गया कि कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल। अब हम बात करते हैं इसमें क्या हुआ होगा। ये एसिटाइल एसीटोन है, CH3COCHH CO CH3, ये एसिटाइल एसीटोन है, और ये यहां से टोटोमेरिज्म दिखाएगा, ये यहां से यहां CH3COH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब ये इसका इनोल फॉर्म है, ये इसका इनोल फॉर्म है। दिस इनोल फॉर्म स्टेबल बाय रेजो प्लस एच बॉन्डिंग। भाई ये जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, साथ के साथ यहां पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सी, इंट्रा मोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो इसीलिए इसका एक्सटेंड ज्यादा आया होगा, एग्जिस्टेंस ज्यादा आया होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है कंपाउंड को, वहां कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर आ नहीं रहा था। तो अब यहां हम ऑप्शन को देखते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन को हम देखने जाएंगे तो ये वाला डेफिनेटली सही है स्टेटमेंट। फिर है इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसा ऑप्शन देखें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये तो नहीं आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला आंसर आएगा। टोटोमेरिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े, टोटोमेरिज्म से क्वेश्चन आ भी जाता है,
शायद जेई मेन में ये एक ही क्वेश्चन ऑटोमेटिक से आया था, उसके बाद क्वेश्चंस आए नहीं है, तो इस अटेम्प्ट में आ सकते हैं, अटेम्प्ट में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक को ढंग से तैयार करके जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको समझते हैं, देखो ये रिएक्शन क्या है, पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेके आते हैं पीछे रिएक्शन को, कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये फिनोल है और इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं डाइल्यूट HNO3 से, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ऑर्थो पोजिशन पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा और पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो गया और ये वाला पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया, दो हो गए। ये सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन, इनको किससे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। अब देखो अगर दोनों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इस कंपाउंड में जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें जो होगी वो इंटर होगी NO2 और ये OH। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें कौन सी है, इंट्रा है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एसोसिएशन बढ़ता है और अगर इंट्रा होती है तो एसोसिएशन कम होता है। ठीक है, मैं बोल दूं इंटर एच बॉन्डिंग हैविंग कंपाउंड और दूसरा इंट्रा एच बॉन्डिंग हैविंग कंपाउंड, दो लिए मैंने, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात आएगी ना तो बॉइलिंग पॉइंट इंटर का ज्यादा होगा, मल्टिंग पॉइंट भी इंटर का क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मल्टिंग पॉइंट इंट्रा वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। आप खुद दिमाग लगाए ना, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, यहां अगर ये इंट्रा कर लेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट होने की टेंडेंसी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो और हम ये पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वोलेटाइल होने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहां ये मिक्सर था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इंट्रा का, इंट्रा का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, तो फर्स्ट डिस्टिलेटेड कंपाउंड इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जो पहले डिस्टिलेटेड होगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगा। ठीक है, क्लियर है, एनसीईआरटी फिनोल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एक बार आप वहां से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं। अब ऑप्शंस को हम चेक करें कि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, तो देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, तो मैंने स्टीम डिस्टिलेशन अभी बोला ही है, ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनोल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन, ए मिक्सर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देखो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा समझेंगे तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेपरेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो
तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन कैन बी सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन। डेफिनेटली इनको हम एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे। व्हेन सेपरेटिंग एनिलीन फ्रॉम मिक्सर ऑफ एनिलीन एंड वॉटर बाय स्टीम डिस्टिलेशन एनिलीन बॉइल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसको समझें, तो इसको समझाने के लिए मेथड मैंने यूज में लिया है वो आप थोड़ा सा इधर देखें। ये डायग्राम है स्टीम डिस्टिलेशन का और ये डायग्राम है सिंपल डिस्टिलेशन का। तो क्या होगा, सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज में लिया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज में लिया जाता है, ये कब यूज में लिया जाता है, ठीक है। दो लिक्विड हो, एक वोलेटाइल हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल लिक्विड, एक तो इसमें किया जाता है, तो एक लिक्विड तो वोलेटाइल हो जाएगा, दूसरा नॉन वोलेटाइल लिक्विड रह जाएगा, तो वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से सेपरेट हम कर सकते हैं। दूसरा लिक्विड लिक्विड्स हैव सफिशियंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर लिक्विड में उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशियंट डिफरेंस हो, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वोलेटाइल हो जाएगा और जिसका ज्यादा है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज में लेते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए यूज में लेते हैं, या लिक्विड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां एनिलीन है आपके पास और क्लोरोफॉर्म है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशियंट डिफरेंस होता है, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, कि एनिलीन का जो है, एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 413 के आसपास होता है और इसका होता है 354 के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑलमोस्ट मैंने वैल्यू बताई है, ये इनकी वैल्यूज है बॉइलिंग पॉइंट की, ये वैल्यू होती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशियंट डिफरेंट है, डिफरेंस है, तो पहले वोलेटाइल कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म पहले वोलेटाइल हो जाएगा और बाद में कौन नीचे कौन बच जाएगा, वो बच जाएगा आपका एनिलीन। तो सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से। मैं पहले सिंपल डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, देखते हैं। तो यहां स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, यहां पे लिक्विड मिक्सर लेते हैं, उसको बॉइल करते हैं, ये थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते रहते हैं, और उसके बाद यहां से जो फर्स्ट वोलेटाइल कंपाउंड होगा, जैसे अभी मैंने बोला कि क्लोरोफॉर्म फर्स्ट होगा और एनिलीन जो है वो यही रह जाएगा, ये एनिलीन यही रह जाएगा, ये आएगा, यहाँ कंडेंसर लगाया हुआ है, वाटर इनलेट लगाया हुआ है, और यहाँ उसको लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कंडेंसर से वो जो वेपर आएगी उसको हम क्या कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं। यहाँ से ये जो इनटेक लगा हुआ है, यहाँ वाटर पास आउट होता रहता है, ये वाटर जो इसको क्या कर देता है, कूल कर देता है वेपर को, और इस प्रकार से हम सेपरेट कर लेते हैं। नाउ सेकेंड जो आती है, बात आती है, वो आती है स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल द वेपर, तो यहां पे मैं बोलूं स्टीम डिस्टिलेशन कहां आता है। दिस टेक्निक विच इज अप्लाई टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड विच आर स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, एंड इमिसिबल With water, उसके लिए हम यूज में लेते हैं। और ये एग्जाम्पल किसके लिए लेते हैं, एनिलीन, एनिलीन प्लस वॉटर। अब देखो क्या होता है, समझना डायग्राम को। यहां से हमने वॉटर लिया, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, वॉटर की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, स्टीम बनेगी, ठीक है, वो स्टीम इधर पास आउट हो जाएगी और यहां पर आ जाएगी वेपर या स्टीम, स्टीम यहां पे क्या आ जाएगी, स्टीम, और या कंपाउंड टू बी डिस्टिलेटेड, जिस कंपाउंड को हमें डिस्टिलेटेड करना है वो यहां पे है। तो यहां पे क्या है, कंपाउंड जिसको हमें डिस्टिलेटेड करना है, तो मान लो यहां पे क्या है, एनिलीन है, यहां पे एनिलीन प्लस वॉटर, इनको हमें क्या करना है, डिस्टिलेटेड करना है। तो मैंने क्या किया,
पहले यहां से स्टीम पास आउट की, तो स्टीम पास आउट करेगी तो और नीचे से मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं। अब जब स्टीम पास आउट होगी और ये यहां होगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर वो मान लो पी है जो इक्वल टू है पी वन प्लस पी टू के। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो इक्वल है वो है पी इक्वल टू पी वन पी टू। पी वन है ठीक है वेपर प्रेशर ओप, भाई दो आपके पास उसमें दो सब्सटेंस है, वाटर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है ठीक है। तो अब यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ओवरऑल देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये P1 क्या हो गई, लोअर हो गई, और जितनी वेपर वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉयल होना उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वापस समझ ले, यहां पे वाटर की स्टीम आई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू किसके है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये है। तो मैं यहां से ये पता लग रहा है कि P1 इज लेस देन P, P1 जो है वो P से क्या है, लेस है। P1 इज लेस देन P, यहां से ये पता लग रहा है ओके। तो यहां पे ये जो है ये है लोअर वेपर प्रेशर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, इस कारण ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस से सुन ले कि स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज में लेते हैं, कंपाउंड विच आर स्टीम वोलेटाइल, स्टीम किससे, स्टीम जनरेट किससे करेंगे, वाटर से ठीक है, और इमिसिबल विथ वाटर, और वाटर में क्या रहे वो इमिसिबल रहे। तो क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। तो यहां पे आपके पास दो वेपर प्रेशर है, एक P1 है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, और P2 है वो वाटर की प्रेशर है, और इनका सम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, लोअर वेपर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया है, और वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझा दिया मैंने स्टीम डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चंस क्या था हमारा, वो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, समझ लें। ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन, सही है। व्हेन सेपरेटिंग एनिलीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड वाटर बाय स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन बॉइल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जी हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन, द आईपीएससी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले हम चेन फॉर्मेशन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप अपना ये है तो ये वाली चेन बनेगी, ये वाला कंपाउंड है सी एच थ्री और ये सी ओ एच, फिर ये वाला, ये COH और ये CH3, ये वाला कंपाउंड दिया है, इसका IUPAC नाम पूछा है, तो होपफुली फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर, प्रिंसिपल चेन में कंसीडर करेंगे, ये वाली चेन बन जाएगी। नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अब अपने पास सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो आपको कहीं नजर आ रहा है, ये 1 अब कार्बन कम नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 अच्छा यहां लगा हुआ है, सॉरी यहां लगा हुआ है सी ओ एच, ये वाली चेन बनेगी, ये वाली चेन बनेगी और ये 6, तो यहां नाम हो जाएगा 2,4,2,5-dimethyl, 2,5 डाइमिथाइल कहां है, यहां है, यहां है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर 6 ऑक्सो है, 6 ऑक्सो है, तो 6 ऑक्सो इसमें भी है, ये कार्बोक्सी ये वाला गलत हो गया, ये आ जाएगा हेक्स 3 इन ओइक एसिड, सिंपल। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो. अच्छा, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन होता क्या है? तो कार्बन होना चाहिए, फोर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, sp3 होना चाहिए, ए बी सी डी. sp3 कार्बन जॉइंट बाय फोर डिफरेंट ग्रुप या बॉन्डेड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप, तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन मानेंगे. तो यहां कायरल कार्बन की अगर हम बात करें तो आप देखें, ये वाला कायरल हो गया, ये sp2 है सब, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और इधर कोई नहीं है. तो आंसर जो आएगा वो आएगा 5 कायरल कार्बन है. ठीक है भाई, जहां दो, जैसे इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पे क्या लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन, इसको नहीं मानेंगे, दो हाइड्रोजन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर सभी कायरल कार्बन बन जाएंगे. ये वाला भी नहीं होगा भाई, sp3, ये वाला sp3 है, ये वाला भी sp3 है, यहां नहीं होगा, ऑक्सीजन को नहीं माना, कायरल कार्बन की बात की है, तो यहां पे हमारे पास आए हैं वो 5 कायरल कार्बन आए हैं. नेक्स्ट, ये ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्रीज बाय, ये क्वेश्चन पहले भी जेईई मेन में पूछा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन वापस प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है. ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्रीज बाय, ग्लिसरॉल को सोप इंडस्ट्रीज में हम किससे सेपरेट करते हैं? तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. डिटो एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है पूरा, कि हम अंडर रिड्यूस प्रेशर हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तब जाके हम उसको क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे. तो आगे मैंने ये मैंने बोला है कि यहाँ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का मतलब क्या है, ये मैंने बोला है. तो यहां हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स विच हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, किन के लिए यूज में लेते हैं, कि वो कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. दोज विच डीकंपोज्ड, दोज विच डीकंपोज्ड, और जो डीकंपोज हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे, एट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, एट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके लिए हम करते हैं, हम प्रेशर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और प्रेशर को रिड्यूस करने से वो लो टेम्परेचर पे क्या होने लग जाएगा, बॉइल होने लग जाएगा. तो यहां क्या होता है, देखो यहां पे जिस कंपाउंड को आपको यहां पे आपने क्या लिया, मिक्सर लिया, ठीक है, और यहां से आपने हीट सप्लाई की तो उसकी वेपर बनना स्टार्ट हुई. अब जैसे ही यहां आएगा वेपर बनेगा, तो यहां जब आ रहा है तो ये देखो ये लगाया है वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस्ड प्रेशर, ये प्रेशर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और वो लो टेम्परेचर पे क्या होने लग जाएगा, बॉइल होने लग जाएगा, वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक रिड्यूस प्रेशर मतलब बाई दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया. एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो जल्दी बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन जो था हमारा वो यही था कि ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्री, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. नेक्स्ट, द केजाल्स मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. अच्छा, केजाल्स मेथड जो है वो किसके लिए यूज में आता है, नाइट्रोजन हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट डाई एजोनियम सॉल्ट प्लस साइक्लिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनको छोड़ के हम ये मेथड यूज में ले सकते हैं केजाल्ट मेथड से. तो यहां रिएक्शन देख के प्रोडक्ट के बारे में आपसे
पूछा है, तो किन के लिए यूज में लेते हैं? नाइट्रोजन हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज में लेते हैं। कौन नहीं देता है केजाल्स मेथड से, हम किसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते? तो मैंने बोला डाइजोनियम सॉल्ट, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो देखेंगे ऐसा ऑप्शन कहां सेट हो रहा है। तो सबसे पहले ये है SN प्लस HCl, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें तो क्या बनेगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम एस्टिमेटेड कर सकते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 में, तो इसको भी हम कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन रिंग में नहीं है। CH2 CN SN CL2, तो ये है आपका स्टेपन रिडक्शन, स्टेपन रिडक्शन है, तो यहां क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH2CHO, नो नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है, तो इसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। और यहां ये रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन, और यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, N2 प्लस Cl माइनस में, तो इसको भी नहीं कर सकते। अभी मैंने बोला था कि इनको छोड़कर, तो पूछा है कि द केजाल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट, तो एक तो इसके लिए, C के लिए, और एक D के लिए, आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाउ एक नेक्स्ट और कंपाउंड दिया है, इसका कंपाउंड का नेमिंग करना है, तो चेन तो ये बनेगी, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा 4-bromo, 2-methyl, चेन किसकी है, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो ये नाम हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन देखते हैं। 4-bromo, यहां से 1, 2, 3, 4, 4-bromo अगर आपको दिया हुआ है कहीं, ये आप 4-bromo, 2-methyl, cyclopentane, carboxylic acid, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑप्शन, कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट क्या है, मल्टीपल बॉन्ड हो, इधर ये ए और ये बी, और इधर ये ए और ये भी, ये रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हुआ, ये क्या होनी चाहिए, दोनों ऑलवेज डिफरेंट, और ये वाले दोनों भी क्या होने चाहिए, ऑलवेज डिफरेंट, ये भी दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और उधर से भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब इसकी जगह जरूरी नहीं, यहां आप साइक्लिक स्ट्रक्चर लगा सकते हो, इस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, इस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, ए बी, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकती है। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें, तो ऐसा ऑप्शन कहां है, फर्स्ट को चेक करें, तो फर्स्ट कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो इसमें ये वाला है डबल बॉन्ड, ये एच और ये सीएल, यहां ये दोनों डिफरेंट है, बट यहां ये दोनों क्या हो गए, ठीक है, सेम, इसलिए फर्स्ट कंपाउंड नहीं करेगा, सेकंड भी नहीं करेगा, क्योंकि इधर तो आपने ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एल, बट यहां सी एल, तो ये वाले कार्बन, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये वाला है डबल बॉन्ड कार्बन, ये एच और ये सी एल, और इधर आपने क्या लगाया है सी एच थ्री, तो अब यहां आप देखो कि यहां इस डबल बोन के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सेम नहीं है, ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा, सीएल को 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, और इसको 1 मिलेगा, तो अपोजिट है, तो ये ई कॉन्फिगरेशन है, इसका जो जेड बनेगा ना, ये तो ई कॉन्फिगरेशन है, इसका जेड जो बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, कार्बन और ये सीएल और ये एच, इधर सी एच थ्री, ठीक है, और इधर अब इसमें अरेंज करेंगे तो ये 1, ये 2, इसको 1, इसको 2, तो 1 1 अपोजिट आ गए, तो ये इसका ई बनेगा, ये करेगा, ये भी करेगा,
क्योंकि ये जो दोनों CH3 हैं, यहाँ वाले ये ठीक है, इन दोनों CH3 को मैं सेम साइड दिखा सकता हूँ सिस, और इन दोनों को CHCl है, इन दोनों को मैं अपोजिट साइड दिखा सकता हूँ, ये CH3 और ये CH3, ये डबल बॉन्ड CHCl, तो ये 1,3 से ये दोनों सिस पोर्शन पे हो सकते हैं और ये दोनों ट्रांस पोर्शन पे हो सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा थर्ड और फोर्थ बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वापस इसी से रिगार्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो पहला है पेंट वन इन, तो पेंट वन पे इन लगाया, टू मिथाइल, यहां मिथाइल लगाया और यहां पे क्या हो गया 2H, तो ये दोनों सेम आ गए, सेम तो नहीं करेगा, 4-methyl pent 2 in, ये लो 1,2 पे इन आ गया, 4-methyl 3 और ये 4, तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो कार्बन H, ये दोनों डिफरेंट है और इधर भी H लगा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये शो कर देगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर आएगा। 2-methyl pent 2 in, तो यहां पे बात करूंगा, ये लो तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये वाला भी नहीं करेगा और वन इन वाला भी नहीं करेगा, तो आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप सर्च करें, फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड यहां पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो एक नंबर इसको मिलेगा, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर कार्बन, ठीक है, ये चेन बन गई। अब यहां पे सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट को लिखूंगा, तो 5 क्या है एमिनो, उसके बाद ये नाइट्रो, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, तो फिर आ जाएगा 4-hydroxymethyl, इसका नाम आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 2-nitro, बेंजीन है क्या, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, इसकी जगह यहां पे, इसकी जगह भी लिखता है बेंजेल्डिहाइड, ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, तो ये 4-amino 5-amino 4-hydroxymethyl 2-nitrobenzaldehyde, बेंजल्डिहाइड की इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये भी लिखा जा सकता है, तो ऐसा भी सही रहेगा, अगर बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिख दिया तो वो भी सही रहेगा। नेक्स्ट द करेक्ट आईपीएससी नेम, वापस आईपीएससी का नाम आया है ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट, यहां भी सभी क्या है ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग करूंगा, तो यहां से करूंगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कर दिया मैंने, तो 1 क्लोरो हुआ क्या, 2-methyl हुआ क्या, 5 क्या हो गया नाइट्रो। अब यहां क्या अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमने फॉलो किया है लिखते टाइम, डेफिनेटली किया है, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेंजीन, तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा मैं, तो यहां से ऑप्शन मेरे को नजर आएगा। अच्छा एक चीज और, यहां पे ये लिया मैंने, अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कहां आया है, 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है और 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपका सेट जो बना वो कितने का बना, 8 का, ये गलत है। इस कंपाउंड की दूसरी तरह की नंबरिंग में ऐसे भी कर सकता हूं, देखना यहां CH3 है, यहां Cl है और ये NO2 है, यदि मैं इस कंपाउंड को 1 नंबर दूं, 2 दूं, 3 दूं, 4 दूं, तो सेट कितने का बन रहा है, 1, 2 पे और 4 पे, यहां सेट कितने का आ रहा है, 7 का, तो हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का
जो पोजीशन है उसका सम मिनिमम आना चाहिए, अगर सभी सब्स्टिट्यूएंट है तो। फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, अगर सभी सब्स्टिट्यूएंट है तो आपका सेट क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो ये वाला जो है ना, ये नेम गलत है, इस नेम से इसका होगा। तो यहां लिखूंगा टू क्लोरो वन मिथाइल फोर नाइट्रो बेंजीन, टू क्लोरो वन मिथाइल फोर नाइट्रो बेंजीन आंसर जाएगा, वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, वापस एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, द आईपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को अपनी चेन में कंसीडर करना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को प्रिंसिपल चेन में कंसीडर करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रिंसिपल चेन में कंसीडर करना है। तो यहां जो चेन बनेगी ना, वो ये वाली चेन बनेगी, अब यहां से डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो देखो, डबल बॉन्ड है इन से और ट्रिपल बॉन्ड है आयन से। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम आ रही है तो डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है वाई से, तो इन की तरफ से नंबरिंग होगी। अगर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है तो फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आता हो। मैंने दो रूल बोले हैं, यदि मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, जैसे इधर भी वन नंबर पे आ रहा है, इधर भी वन नंबर पे आ रहा है, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे, इन को हम प्रीफर करेंगे। और यदि डिफरेंट आ रही है, जैसे मैं ये लूं, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, बट अगर मैंने ये लिया, अब मल्टीपल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गई बात। तो यहां नंबरिंग किधर से करूंगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से मैं क्या कर दूंगा, नंबरिंग कर दूंगा डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6 7। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये क्या हो गया, प्रोपाइल। तो यहां लिखूंगा मैं 3-5-dimethyl-4-propyl, फिर लिखूंगा 4-propyl। चेन कितने की बनी, 7 की, हेप्ट 1-in-6-ion, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट 1-6-in-ion, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखेंगे, 3-5-dimethyl-4-propyl, हेप्ट 1-in-6-ion, पहला ही ऑप्शन अपना सही है, और ये आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वापस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी सारे नेमिंग जो पूछी वो सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है। तो यहां ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो, जब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग ऑर्डर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को चेक करते हैं, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को चेक करते हैं। तो यहां फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये एब्सेंट है इस कंपाउंड में, मल्टीपल बॉन्ड, तो चेन ये बन जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली। नंबरिंग इधर से कर दूंगा, 1 2 3 4 5, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखूंगा, तो 4-bromo-3-methyl, चेन कितने की बनी, 5 की, पेंट और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2e, तो 4-bromo-3-methyl-pent-2-in आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, वापस आईपीएसी सिस्टम का नेमिंग आया हुआ है, तो इसमें भी चेन जो बनेगी वो स्ट्रेट वाली चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 5। अब 3-hydroxy-4-methyl
पांच कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन ओइक एसिड। नाम देखिए, थ्री हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, इसको पहले क्यों लिखा? एच अल्फाबेटिक में पहले आता है, एम बाद में आता है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, एथेन ये वाला दिया हुआ है आपको, इसमें इसके वाला ये डाईहेड्रल एंगल आपको बताना है, ये डाईहेड्रल द्वितल कोण जिसको बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल आपको बताना है। तो आप देखो, इसमें एथेन जो आपको जो दिया हुआ है, आगे जो ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो आप थोड़ा सा समझे। देखो, आगे वाले कार्बन पे जो है ना वो एच है, पीछे वाले कार्बन पे एच डेस है, और फिर यहां पे एच है। तो मैं इसका फुली एक्लिप्स्ड बनाता हूं, फुली एक्लिप्स्ड बनाता हूं। अब ये फ्रंट वाला कार्बन है, मान लो एच के पीछे एच जाएगा और यहां इस पे एच जाएगा, और यहां भी क्या है, यहां है एच डबल डेस, यहां है एच डबल डेस। तो अभी जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना, फ्रंट वाला कार्बन जो मैंने ब्लैक से दिखाया मान लो, तो फ्रंट वाले कार्बन पे ये फ्रंट वाला कार्बन मैंने रेड से दिखाया, सॉरी, रेड वाले कार्बन पे जो ये एच लगा हुआ है एच डेस, और ये रेड वाला कार्बन एच डेस, फिर आ गया इधर एच, और फ्रंट वाला कार्बन है ना जो यहां ये दिखाया मैंने, ठीक है, बेक वाला कार्बन, इस पे क्या लगा हुआ है एच डबल डेस। तो अभी अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड एंगल की, तो ये कितना है 120। अभी ये जो है वो बॉन्ड एंगल कितना है 120, अभी ये जो है ये वाला 120 है। अब आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, ये वाला कितने से रोटेट कर दिया 29 से, तो 120 तो पहले था ही, 29 और एड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 149, सेकंड इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, पहले 120 था, फिर आपने इसको 29 से रोटेट किया ना, तो ये पहले ये और ये, इसके और इसका बिफोर रोटेशन, कितने पे थे 120 पे, आफ्टर रोटेशन 120 प्लस 29 कितना आया 149, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वापस प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकेंड, H2O और सुगर, सीधा सा कंसेप्ट, पानी है और चीनी है, सुगर है, उनको सेपरेट कैसे करेंगे? तो भैया H2O है प्लस क्या है, सुगर है, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा वेपराइज्ड, और सुगर का क्या बन जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। तो इस सीधा सा पता लग रहा है कि H2 और सुगर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसको गर्म करेंगे तो वाटर, पहले तो उसके क्रिस्टल बनना स्टार्ट होंगे, फिर और गर्म करेंगे तो थोड़ा टाइट होगा, वाटर पूरा बाहर निकल जाएगा और पीछे कौन बच जाएगी, सुगर बच जाएगी। H2O और एनिलीन को अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम पास आउट, स्टीम जनरेटर से स्टीम पास आउट करते हैं, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। H2O टोलुइन, तो ये पोलर है और ये वाला नॉन पोलर है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका मैं बता देता हूं आपको, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से होगा, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ है।
तो ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ए में क्यू आएगा, बी में आर आएगा, ए में क्यू, बी में आर, और सी में एस आएगा। ऐसा ऑप्शन ये रहा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखें तो मैंने यहाँ डायग्राम दिया है ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का, बिफोर एक्सट्रैक्शन। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, तो यहाँ पे कौन है, ये वाटर है, और इसमें कौन है, H2O प्लस टोलुइन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। और यहां मैंने सॉल्वेंट लेयर लिया। अब सॉल्वेंट अगर मैं लूंगा, पोलर सॉल्वेंट लूंगा, तो उसमें पोलर डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लूंगा तो ये नॉन पोलर उसमें चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हिलाएंगे, सेकिंग करेंगे इसकी। तो ये है बिफोर एक्सट्रैक्शन। अब जैसे सेकिंग करोगे आप, तो एक्वस लेयर तो नीचे रह जाएगी, यहां से इसको हम खोल देंगे और ये एक्वस लेयर बाहर आ जाएगी, और ऊपर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर। डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है। तो ये दिस मेथड यूज्ड व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम। तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेंगे, उस सॉल्वेंट में मान लो ये सॉल्वेंट लेयर है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यहां कौन चला गया, यहां चला गया टोलुइन, और नीचे यहां कौन रह गया, वाटर। वाटर को निकाल के अलग कर देंगे, ऊपर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा। ये आफ्टर एक्सट्रैक्शन और ये बिफोर एक्सट्रैक्शन। तो H2O टोलुइन को इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये थे जेई मेन में आई वे क्वेश्चन, टॉपिक था नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और POC प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने गौर किया होगा कि मैंने उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया है जिससे बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं। मैंने केवल पेपर सॉल्व नहीं करवाया है, मैंने साथ के साथ आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टीम डिस्टिलेशन ये बताया है, सिंपल डिस्टिलेशन ये बताया है, एक्सट्रैक्शन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ये बताया है, रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेशन कैसे करते हैं वो सब चीजें समझाइए, एग्जाम्पल बताएं, साथ के साथ इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने लेने की कोशिश की है। ठीक है, होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, और कौन अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया तो उसको लिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।